हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भूटा भाई जी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अब मैं आज निकाल रहा हूँ अखरोट, और ये अखरोट देख रहे हैं। और अभी मैं जाऊँगा पेड़ में और जड़ाऊँगा अखरोटों को, तो आज दिखाता हूँ अखरोट और आपको इसकी दो तीन क्वालिटी। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अब मैं निकालता हूँ अखरोट और देखिए आगे। तो दोस्तों देखिए, ये है पहाड़ी अखरोट। यहाँ पे ये दूसरा वैरायटी का है, ये लोकल वैरायटी है यहाँ का। तो आप देख सकते हैं इस पे लगे हुए हैं दबा के अखरोट। और अभी निकालने का हमारा काम स्टार्ट हो गया है, तो हम इन अखरोट को निकालेंगे। अभी मैं इनको जड़ाऊंगा और जड़ाने के बाद और इस कैरेट में कलेक्ट करूंगा। और ये देखिए, ये सूख के ऐसे हो जाते हैं कुछ, और कुछ इस तरह अपने आप नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पे। तो इनको आप उठाने का टाइम हो चुका है। तो साथ ही में बगल में देखिए, ये देखिए सेब। सेब का भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा मेरा, निकालने का पूरा प्रोसेसिंग बताऊंगा मैं। फिलहाल अभी निकालने वाला हूँ मैं अखरोट, ये है पहाड़ी अखरोट। और देसी अखरोट भी बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल अभी हम निकालेंगे पहाड़ी अखरोट। तो दोस्तों, अभी हमने आधा निकाल दिया है अखरोट, और अभी फिर निकालना है। तो अभी लगभग लगभग हमारे पेड़ पे हैं, और मैं सीढ़ी लेना भूल गया। और वैसे मौसम बारिश का भी है, तो मैं अभी फ़िलहाल इतना ही निकालता हूँ। फिलहाल देख ही रहे होंगे आप किस पे लगभग अभी हैं। तो फिलहाल अभी हम रेस्ट कर लेते हैं, और अगले शॉट में बताऊंगा मैं आगे का सीन। तो देखिए अखरोट, ये है लोकल पहाड़ी अखरोट। तो फाइनली दोस्तों, दौलत एप्पल फार्म से मैंने निकाल दिए हैं लगभग लगभग पूरे अखरोट। और आपको बताने वाला हूँ कि दो क्वालिटी, एक तो ये वाली क्वालिटी है जो कि हमारे दांतों से भी यार नॉर्मली वैसे फूट जाते हैं, और एक होती है ये स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के, और ये वैसे दांतों से नहीं फूटते, और वैसे पत्थर हथौड़े से भी फोड़ने में बड़ा टाइम खाते हैं ये। तो वैसे इनसे जो टेस्टी है ये वाली होती है, लेकिन लोग इससे ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर मेहनत ज़्यादा है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा खुराक इसी में मिलता है। तो लगभग लोग इनको डाल देता हूँ मैं इसमें, और जो ये वाली क्वालिटी है तो आप देख सकते हैं ये खाने में बड़ा टेस्टी है। दोस्तों ये अखरोट माइंड दिमाग बढ़ाने के लिए, और लगभग लगभग औषधि गुणों से भरपूर है ये, और इसे खाने से कहें रोग दूर होते हैं। और खासकर ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है ये। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा दिन का 4-5 पीस खाएं। और दोस्तों ये जैसे कि आप बाजार मार्केट में जो बाहर से आते हैं वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होते, और जो क्योंकि हिमालय पर्वत पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ का जो नेचुरल अखरोट तो ये बहुत ही कुदरती होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र से आप ये अखरोट खरीदें, और क्योंकि ये गुणकारी बहुत अच्छे होते हैं, और आप इसके बारे में ज़्यादा जानते ही होंगे। और लाइक कमेंट शेयर करें। और अखरोट के पेड़ आप देख सकते हैं ड्रोन शॉट में लास्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।